diabolo. विश्वास में हूं, अपने हाथों को उठाते हुए सब जन उठा उठा अपने हाथों को, जितने भी जन जाते खड़े हाथों को उठाओ, सब जन जो बैठे हुए हाथों को उठाओ, अब इस बात पे विश्वास करते हैं प्रभु कि तुम मुर्दों में से जी उठाए। परमेश्वर नहीं है तुम, मुर्दों में से जी उठा और जीवित परमेश्वर है। ऊंची आवाज में बोलो, तुम मुर्दा परमेश्वर नहीं है, तुम मुर्दों में से जी उठा। ऊंची आवाज में बोलो, तुम मुर्दों में से जी उठा, तुम मुर्दा परमेश्वर नहीं है। तुम मुर्दा परमेश्वर नहीं है, जिंदा परमेश्वर है और तेरी आज भी खबर खाली है। जहां पे तुझे रखा गया था और वो आज भी खाली है। तू कब्रों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, तू स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। वो
ऊंची आवाज में बोलो, तू कब्रों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, तू स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। ऊंची आवाज में हाथों को उठाते हुए सब जन अपने हाथों को उठाओ, सब जन हाथों को उठाओ, उठाओ, उठाओ सब जन। जमीनों के खुदा तू बहुत देखे है, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। मुर्दा खुदा तो बहुत देखे है, प्रभु बोलो तू जीवित परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है, जी उठा है यीशु मसीह, तू जिंदा है। बात अलग है, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। हालेलुया, हालेलुया, सब तारीफ करो इस वर्ड के लिए, इस सॉन्ग के लिए तारीफ करो खुदा की। Thank you.
बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपनी बाइबल को लो साथ, उठा अपनी बाइबल को, धन्यवाद बोलो खुदावन आज का दिन दिया, आज का दिन दिया, आज तेरे जी उठने का दिन है। तो आज तू हमारे लिए जो भी मैसेज लेके आया है अपने दास के द्वारा, हम उस वचन को सीख सके, उस मैसेज को सीख सके और अपने दिल में इसका इसकी इज्जत करते हुए, आदर करते हुए आगे बढ़ सके। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, उठाओ 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 सब जन हाथों को। यस, मैं बाइबल को साथ लू, प्रेयर करो अगले दो मिनट प्रे करो। आज का वचन मेरे को समझ आए, मैं खुदा की महिमा करता हूँ, उस खुदा को पूजता हूँ जो खुदा जीवित है, जिसके कान हैं, जिसकी आंखें हैं, जिसका हार्ट है, जो समझ और बुद्धि के साथ भरा हुआ है और मेरी प्रार्थना के जवाब देता है। मैं उस परमेश्वर को मानता हूँ। मेरा परमेश्वर बुतों में नहीं बसता, कब्रों में नहीं है, वो स्वर्ग में है और मेरी आवाज सुन के, मेरी प्रार्थना सुन के वो मेरे साथ है। ऊंची आवाज में बोलो ये प्रार्थना कि वो जीवित परमेश्वर है, वो कब्रों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो बुतों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मेरे दिल में रहने वाला परमेश्वर है, वो मुझ में रहने वाला परमेश्वर है, वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाते हुए सब 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 सुनने के लिए, हाथों को हिलाओ जो वचन सुनने के लिए तैयार है। तारीफ करो जोर से खुदा की, ये छोटी है मेरे को लग रही, तारीफ करो जोर वाली और हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, हालेलुया 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 ऊंची आवाज में। मेरे साथ बोलो, हालेलुया ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया। एक हम सॉन्ग गाते होते हैं, पुराना है काफी,
हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया तो जोर से बोलो जीवित परमेश्वर के लिए। हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। फिर से गाएंगे हम वचन के ऊपर ध्यान करते हैं। अपने हाथों को उठाओ सब जन, आंखों को बंद करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित वचन हमें जिंदा कर दे, हमारी सोचों को जिंदा कर दे, क्योंकि तू आने वाली तबाही से बचाता है। अपने वचन को भेज के ये वचन आने वाली तबाही से हमें बचाए, आने वाली महामारी से हमें बचाए। के वचन में आप सबका स्वागत है। जय मसीह की सबकों खुदा दे जिंदे वचन तहाडा सारे अंदर स्वागत है। आमीन। हालेलुया। तो हमने प्रभु की परीक्षाओं के बारे में पढ़ा, सीखा कि प्रभु के ऊपर बहुत सारी परीक्षाएं आई। शैतान ने परखा जब वो फास्टिंग में था, तब भी वो परखता रहा। जब वो क्रूस उठा के जा रहा था, मार खा रहा था, और वो तब भी परखता रहा जब वो क्रूस पे लटका था। और लोग नीचे से कह रहे हैं, हाँ तू मसीह है, अगर तू मसीह है तो अपने आप को क्या कर, नीचे लेकर आ। वहां पे भी शैतान लोगों के मन में डाल रहा था, यीशु मसीह कैसे ना कैसे करके क्रूस से नीचे आ जाए। और शैतान की ये चाल थी, ये योजना थी कि उसके मकसद को वो पूरा ना होने देता। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपनी सोचों के ऊपर वश किया हुआ था। मरने के बाद कब्र में रखा गया, हर परीक्षा के बाद, लास्ट परीक्षा के बाद भी वो कब्र पे रखा गया। और शैतान खुश था कि मैंने मसीह को मार दिया, मैंने यीशु मसीह को मार दिया, मैंने उसकी बेइज्जती करवाई है। वो मर गया, वो इस बात को नहीं जानता था कि वो जी भी उठेगा। और जब आज के दिन वो जी उठा तो शैतान रो रहा था, मसीह हंस रहा था, मसीह लोग हंस रहे थे, जिनको इस खुशखबरी के बारे में पता चला वो भी हंस रहे थे कि हमारा यीशु जिंदा खुदा है, वो जिंदा हो चुका है। आमीन। हालेलुया। तो जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं मत्ती को 28 अध्याय पहले वचन को, और मत्ती 27 की 27 अध्याय उसका 8 वचन, वहां पे कुछ बताया गया है कब्र की रखवाली के लिए। और यीशु मसीह ने पहले अपने चेलों को बताया था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, कब्र में से जी उठूंगा। और
कुछ फकीर फ्रेंसी ये जानते थे, कुछ पुरोहित ये जानते थे, और वो सीधा राजे के पास पहुंचे। मैं मत्ती की अंजील 27 अध्याय उसके 8 वचन से बात कर रहा हूँ। प्रिंट में भी ये लिखा गया है। और जब हम 6 तक इसको देखते हैं तो वहाँ पे ये लिखा गया है। प्रिंट को हम पढ़ेंगे क्या लिखा गया। हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस बरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद ही जी उठूंगा, अर्थात आज्ञा दे कि 3rd दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं। हालेलुया। तो यहाँ से जाहिर होता है कि उसकी कब्र पे कोई भी जा नहीं सकता था, आया नहीं सकता था, पैरा लगा हुआ था उसकी कब्र पे। राजे ने पुरोहितों के कहे के अनुसार पहरा लगा दिया था, तो वहां पे जा कोई नहीं सकता था क्योंकि बहुत जबरदस्त वहां पे पहरा लगा हुआ था और कोई भी आया नहीं सकता था। और चेलों को इतनी बात याद थी कि यीशु मसीह ने जब वो गतसमनी में था, जब हमारे साथ वो रोटी खा रहा था, हमें बताया था कि वो 3rd दिन जी उठेगा। और उसी आज से, उसी उम्मीद से कुछ औरतें, जब हम 28 को देखते हैं, पहले वचन को देखते हैं, कुछ औरतें संडे वाले दिन, एतवार वाले दिन कब्र पे आए। और उससे पहले कुछ घटना हो चुकी थी, हम पढ़ेंगे 28 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। क्या घटना उस जगह पे हुई, जब औरतों से पहले उन पहरेदारों के साथ क्या हुआ, हम पढ़ेंगे। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पांव फाड़ते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हाँ, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके पैर के पैरों कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो, यहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसने चेलों से कहा, कहो कि वह मृतों से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमको कह दिया। हालेलुया। हाँ, हम 11 को देखेंगे यहाँ पे। वे जा ही रही थी कि पैरों में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कहा। हालेलुया। जो कब्र के ऊपर सुबह सुबह हुआ था, उस टाइम हुआ था, मरियम और मगदलीनी, जो मरियम मगदलीनी थी, जो एतवार को सुबह सुबह आई, उससे पहले कुछ हो चुका था कब्र के ऊपर। ऊपर से स्वर्ग दूत उतरा, बिजली गड़की, भूचाल आया, दूत आया, उस कब्र के पत्थर को हटा दिया। हालेलुया। और जहाँ पे वहाँ पे वो जो पहरेदार खड़े थे, वो घबरा गए, वो बेहोश हो गए, बाइबल बताती है, वो गिर गए। हालेलुया। उनके ऊपर बेहोशी छा गई। तो वहां पे दूत थे, वो मरियम, वो उन औरतों को मिलते हैं और कहते हैं, तुम किसको ढूंढ रहे हो? उसको जो मसीह था, जो स्लीप के ऊपर चढ़ाया गया था। उन्होंने बोला हाँ। दूतों ने फिर कहा, वो जी उठा है। हालेलुया। तो जो पुरोहितों ने कहा था, उनके चेले आगे लाश को चढ़ा लेंगे, ये कुछ भी वहां पे नहीं हुआ था क्योंकि पहरा ही इतना जबरदस्त था कि वहां पे कोई चेला नहीं गया। वहां पे सिर्फ एक भूकंप आया
स्वर्गदूत आया, आसमान से बिजली गड़की और वो पहरेदार जानते थे वहां पे क्या हुआ। उसके बाद अब 11 में देखते हैं उस पहरेदारों के बयान। उन्होंने जाके फकीर फरीसियों को ये बातें बताई, नेताओं को ये बातें बताई, महापुरोहितों को ये, यहूदियों को ये बातें बताई और वो डर गए कि ये बातें फैल ना जाए। हाँ हम 13-12 को देखेंगे, 13 को देखेंगे वहां पे क्या लिखा है। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर संपत्ति की और सिपाही को बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझ लेंगे और तुम जोखिम से बचा लेंगे। अर्थात उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया। हालेलुया। जो वहां पे घटना हुई थी, वहां के महापुरोहितों ने, वहां पे नेता ने ये बातें उन पहरेदारों को बताई, पैसा दे के उनको खरीद लिया कि तुम ऐसा ऐसा कहना कि हम रात को सो रहे थे, रात को ऐसा हुआ कि उनके चेले आए उसकी लाश को चुरा के ले गए। लेकिन हुआ क्या था, जब हम 28 की 2 को 3 को देखते हैं, 4 को देखते हैं, वहां पे पूरी घटना बताई गई बाइबल में। और जितने बाइबल के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, ये विश्वास के योग्य वचन है। अगर आपका ये मानना है कि आप सच्चे मसीह हो, तो आप इस वचन पे बिलीव करोगे जो 28 में लिखा गया, पहले और दूसरे और तीसरे वचन में, चौथे वचन में लिखा गया कि वहां पे कोई चोरी नहीं हुई, किस चेले ने भी चोरी नहीं की, कोई भी वहां पे कब्र पे नहीं आया प्रभु की लाश को चुराने के लिए। वो सिर्फ पहरेदार खरीदे गए थे, महापुरोहितों ने खरीद लिया था, नेताओं ने खरीद लिया था, यहूदियों ने खरीद लिया था उन पहरेदारों को कि तुम झूठ बोलना, ये चर्चा ना हो जाए कि वो जिंदा हो गया, ऐसा ऐसा हो जाए उसके ऊपर और भी लोग विश्वास करने लगेंगे, और तुम ये कहना कि उसके चेले आए थे जब हम सो रहे थे, जब हम गूढ़ी नींद में थे, हम सो रहे थे तब वो चुरा के ले गए उसकी लाश को, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? तो आज भी हम देखते हैं कब्र को खाली, आज भी हम उसके उसके जीवित वचन में पढ़ते हैं, वो आज भी कब्र खाली पड़ी हुई है। आज भी जो लोग जाते हैं वहां पे, इज़राइल में जाते हैं, वहां पे यरूशलेम में जाते हैं, वहां में लोग देखते हैं, हम नेट के द्वारा लोग जब ऑनलाइन होते हैं वहां पे दिखाते हैं, आज भी कब्र खाली है। हालेलुया। उसको कब्र भी इतने दिन नहीं रख पाई क्योंकि सब वचन पूरे होने थे, क्योंकि हर परीक्षा में उसने 100% दिया था, हर परीक्षा में उसने अपने शरीर के ऊपर वश किया था, अपने शरीर को इधर उधर नहीं होने दिया, चाहे उसको दर्द सहनी पड़े, चाहे उनको परीक्षाओं में गुजरना पड़ा, चाहे उसके सामने शैतान रूप रू खड़ा हो गया, फेस टू फेस बातें हुई, फिर भी उसने अपने लक्ष्य को देखा, अपने मकसद को देखा और उसी मकसद के तहत काम किया। हालेलुया। आज लोग जो मर्जी गए, फिर ये नहीं जिंदा होने के बाद वो सीधा स्वर्ग में चला गया, बाद में आया ही नहीं, उसने उसने औरतों को दिखाई दिया। जब हम यूहन्ना को देखते हैं, 20 अध्याय को देखते हैं, वहां पे लिखा कुछ औरतों को उसने दर्शन दिए, कुछ चेलों को उसने दर्शन दिए, कुछ लोगों को उसने दर्शन दिए। हालेलुया। और कुछ चेले भी ये कहते थे हम विश्वास नहीं करेंगे जब तक उसके हाथों में उंगली डालना ले। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसके वहम को निकाला, थोमा था वो, एक उसके वहम को निकाला कि आ मेरे हाथों में उंगली डाल के देख। यहां पे कील ठोके गए थे जब थोमा ने यीशु मसीह को फेस टू फेस देखा, यीशु मसीह ने उसके शक को खत्म कर दिया ताकि चेलों में कोई शक ना रहे,
उसके मानने वालों में कोई शक न रहे, उसको पूजने वालों को कोई शक न रहे। इसलिए वो विश्वासियों के ऊपर प्रकट हुआ, अपने चेलों के ऊपर प्रकट हुआ, और 40 दिन वो घूमता रहा लोगों में। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? हालेलुया। दर्शन देने के बाद उसने कहा मैं अब जा रहा हूं अपने पिता के पास। चोरी नहीं गया, मरने के बाद वो चोरी नहीं गया अपने पिता के पास। वो सामने चेले खड़े थे, कहता मैं जाता हूं अपने पिता के पास, तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं जो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। बातें करके गया, वायदे करके गया, मैं फिर से आऊंगा। वो आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और जब वो इस संसार में था, परीक्षा के बीच था, जब वो चेलों के साथ बात करता था, चेलों ने पूछा था कि क्या क्या तेरे आने के क्या निशान होंगे। कहता जैसे नूह के टाइम हुआ था वैसा ही होगा, कि लोग अपनी मस्ती में लगे होंगे, शादियों में लगे होंगे, शादियां करते होंगे, मौज मस्तियां करते होंगे, तब मसीह का आना होगा, तब मेरा आना होगा। और उन्हें चिन्ह बताए थे, लूका में भी हम देखते हैं, कहता मेरे आने के निशान ये होंगे कि महामारी आएंगी, आकाश में चिन्ह देखे जाएंगे। हम जब आकाश में चिन्ह देखते हैं, जब भूकंप देखते हैं, जब महामारी, अब हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ये प्रभु के आने के निशान। उसने वादा किया था मैं जल्द आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, जो मेरे पे विश्वास करेगा, मेरा इंतजार करेगा पवित्रताई में, मैं उनको उन लोगों को ले जाऊंगा, उस कलीसिया को ले जाऊंगा। आमीन। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? कितने जन इस बात को सीख रहे हैं? हालेलुया। और अब जब यूहन्ना को देखते हैं 20 अध्याय को, उसके 14 वचन को देखते हैं, वहां पे भी एक घटना लिखी है। निकालो जल्दी यूहन्ना 20 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ेंगे हम। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि ये यीशु है। हालेलुया। औरतें भी उसको नहीं पहचान पाई, क्योंकि जब वो दुख में गुजर रहा था, जब वो क्रूस उठा रहा था, इतनी चेहरा उसका बिगड़ा हुआ था कि वो लोग घबराए हुए थे, पहचान नहीं पाए। यीशु मसीह ने पूरा अपने आप को चंगा कर लिया, पूरे शरीर को शिफा दे दी, लेकिन हाथ को छोड़ के, पांव को छोड़कर, यहां पे नेजा मारा गया था, उस चीज को छोड़कर सब पवित्र आत्मा के द्वारा उसने चंगाई पा ली थी। वो निशान क्यों रह गए, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आप उस पर बिलीव करो, कि जब वो चेलों के पास आए, जब वो लोगों को दर्शन दे, जब अपने आप को लोगों के ऊपर जाहिर करे, अपने चेलों के ऊपर जाहिर करे, वो हाथ दिखा सके, यहां पे नेजा मारा गया था वो जगह दिखा सके, वो पांव दिखा सके। आमीन। हालेलुया। आज वो हमारा जिंदा खुदा है, वो कब्रों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? वो मूर्तियों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो बुतों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो किसी धागे में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, तवीत में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। उसकी जगह दो है, वो एक स्वर्ग है, वो आज भी सिंहासन में बैठा हुआ हमें देख रहा है, और हमारे विश्वास के मुताबिक और हमारी प्रेयर के मुताबिक जब हम पुकारते हैं, वो हम में आता है, हमारे दिल में उतरता है। जब उसने कहा दो या तीन यहां पे एकत्रित होंगे, मैं वहां पे हाजिर हो जाऊंगा,
जब हम विश्वास के द्वारा दो या तीन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी प्रेजेंट हमें चाहिए, तेरी हजूरी हमें चाहिए, परमेश्वर वहां पे भी आ जाते हैं। आमीन। हमें जंगलों की ओर भागने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपना आप सुधारने की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलने की जरूरत है, पाप में से बाहर आने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप पवित्रता में चलते हो, पाप से दूर रहते हो, परमेश्वर आपके जीवन में एंटर करता है, आपके दिल में एंटर करता है। आमीन। उसने कहा तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरे रहने का स्थान हो। ये जीवन अगर पवित्र है तो आपके जीवन में वो वास करेगा, आपके जीवन में वो एंटर करेगा। आमीन। अगर ये मंदिर ही बिगड़ा हुआ है, ये मंदिर पे कई चीजें चल रही हैं, व्यभिचार चल रहा है, चोरियां चल रही हैं, चुगलियां चल रही हैं, वो एंटर नहीं होगा। तो आप ढूंढोगे फिर पहाड़ों की ओर जाके, ढूंढोगे तवीतों में जाके, हाँ धागों के बीच ढूंढोगे परमेश्वर को, फोटो के बीच परमेश्वर को ढूंढोगे, वो फोटो के बीच भी नहीं है, धागों के बीच, तावीतों के बीच भी नहीं है वो परमेश्वर, मूर्तियों के बीच भी नहीं है। मैं दो जगह बता रहा हूं यहां पे वो रहता है, पहला वो स्वर्ग अपने पिता के पास, दूसरा वो आपके दिल में रहता है, वो आप में बसता है। आमीन। हालेलुया। तो आज आपने समझ रहे हैं, आज आपने चलना है खुदा की प्रेजेंट में, रहना है परमेश्वर की प्रेजेंट में। वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा रहेगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, सब जन जितने भी यहां पर मौजूद हैं उठाओ, पांच मिनट के लिए प्रे करो, करो गुरु प्रे हर एक जन, करो गुरु प्रे हर एक जन।